मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मेरे पिता का नाम त्रिभुवन नारायण सिंह है और मुझे लगता है ये नाम जो है सबसे परिचित है जिले में, एक बड़े लोगों या बड़े प्रतिष्ठित लोगों में उनका नाम आता है। मेरी शुरुआती पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है और शुरू से व्यवसाय में ही पिता के साथ और सामाजिक कल्याण में जितने चीज़ें हो सकती थी हमारे सामर्थ्य के अनुरूप से वो हमने हर क्षेत्र में करने का कार्य किया है और जिले के लगभग हर क्षेत्र में हर जगह पे हमारे पिता को, या पूर्वांचल में भी अगर कहा जाए और यूपी और बिहार और झारखंड तीन जगह हम लोग फैले हुए हैं, एक तरह कहीं ना कहीं व्यावसायिक रूप से हमने अच्छी पहचान बनाई है। हमने आगे ये तय किया कि हम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी और योगी जी की जो सोच है, जो युवाओं को साथ लेके चलने की है, उसके सापेक्ष में मैंने भी एक युवा हूँ तो मैंने सोचा कि मैं अपना जो योगदान बिना पार्टी के झंडे के और उसके कर रहा हूँ तो मैं पार्टी के झंडे के अंदर आके अपना जो भी योगदान दे सकता हूँ वो योगदान दूँ, यही सोचकर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के अपने समर्थकों के साथ सदस्यता लिया। और सारे लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं टिकट के लिए, आप उसमें से एक हैं? हम एज अ कार्यकर्ता ज्वाइन किए हैं और हमने किसी की राजनीतिक सोच या राजनीतिक सबकी एक न एक लालसा होती है, लेकिन हम एज अ कार्यकर्ता ही ज्वाइन करेंगे। कभी किसी पार्टी ने या हमारी इस पार्टी ने अगर हमको ये अवसर दिया कि हमें किसी सदन के लिए हमें अपना वहाँ अपने आप को प्रेजेंट करना है पार्टी को, तो उसके लिए कहीं वो नहीं, लेकिन अभी हम एज ए सदस्य हैं और हम सदस्य ही रहेंगे और उसी को हम आगे चल के आगे बढ़ाना चाहेंगे। हमारा परिवार पहले से, हमारे पिता ने आपके एक समाजवादी कही है, एक पर्टिकुलर नेता को रिप्रेजेंट किया हर जगह, कहीं भी आप इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा के चुनाव में, बाकी सारे चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया है और उन्होंने एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या नाम है रिप्रेजेंट किया, जिसके लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं। कितने समर्थकों के साथ आप आज बीजेपी का दामन थामे हैं? हमारे साथ कम 200 से 250 समर्थक थे जो अब हमारे साथ आए हैं, जो बीजेपी का दामन थामे हैं। अभिषेक जी आगे क्या करेंगे? आगे पार्टी के जो आदेश देगी पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। त्रिभुवन नारायण सिंह मेरा नाम है। सर, कहा जाता है कि आप लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के साथ रहे और आज बीजेपी के। 1998 से 2012 तक मैं बाबा आदित्यनाथ जी का चेला था। इस जनपद में कुछ लोगों ने कहा कि आप जो है त्रिभुवन सिंह के घर जा रहे, तो बाबा कहे कि नहीं, मैं हिंदू के घर जा रहा हूँ, और केवल एक आदमी को छोड़ के, ओम प्रकाश सिंह को, बाकी मैंने मनोज सिन्हा जी के साथ रहा हूँ, वोट दिया हूँ, भाजपा के उदय प्रताप सिंह के साथ मुख्तार अंसारी का विरोध करके वोट दिया हूँ और जो संचालन भी किया हूँ। कौन कहता है कि मैं समाजवादी हूँ? अगर जो मैं हूँ तो व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ रहा हूँ। 2012 के चुनाव के बाद मैं उनका इलेक्शन एजेंट था, वहाँ से जब मैं छोड़ा तो फिर 8 साल तक मैं गैबे नहीं किया। हमारे सारे बच्चे अभी माननीय सिन्हा जी जो है चुनाव लड़े, हम लोग जो है सिटी स्कूल में, मेरे बच्चे बाहर रहते थे जो डॉक्टर सब कुछ हैं, सारे लोग आकर के सिन्हा जी को वोट दिए। क्या मोटो है सर बीजेपी में, आएंगे तो क्या करें? अरे हम तो शुरू से बीजेपी में, तो आज से कहानी की बात कर ले, केवल एक व्यक्ति विशेष स्थिति से दुनिया में सब कुछ कोई कहता हो राज को, ये जो है शिव कुमार भाई मेरे मित्र हैं, हम लोग दोनों आदमी फटी स्कूटर पर घूमते थे, तो क्या मतलब, जिससे संबंध है तो है। तो क्या ओम प्रकाश सिंह से आपकी दूरी बन गई है? जी, 8 साल से मेरी दूरी बनी हुई है। हम तो इसलिए ज्वाइन किए कि हमारे रिश्तेदार हैं बाबू परिचित सिंह, 5 दिन पहले हम दोनों आदमी जो है मनोज सिन्हा जी के कार्यक्रम में आए हुए थे, तो हमने कहा कि मैं आपके चुनाव का संचालन करूंगा। ये कहे कैसे, हम क्या समाजवादी है ही नहीं हूँ, हम तो आपके। आप सभी जानते हैं और उस नाम से भी पूरा गाजीपुर जनपद जानता है त्रिभुवन सिंह जी और उनके पुत्र अभिषेक जी के साथ सैकड़ों लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हम उनको और उनके टीम के साथ जितने लोगों ने आज भाजपा परिवार में सदस्यता ग्रहण की है, सबको बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। त्रिभुवन सिंह के पार्टी में शामिल होने से किस तरह के बेनिफिट मिलेंगे, फायदा होगा बीजेपी को? निश्चित रूप से पार्टी को मजबूती मिलेगी। समाजवादी पार्टी में थे?